नमस्कार, आपका स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के नए एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा कि छोटे छोटे सेंटेंस हम जर्मन में कैसे बनाते हैं और वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। आज हम देखेंगे कि जर्मन अल्फाबेट्स कैसे हम उनका उच्चारण करते हैं। तो करें शुरू। जर्मन अल्फाबेट शुरू करते हुए हमको एक फायदा यह है कि हमारा 50% काम तो ऑलरेडी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमको वो अल्फाबेट्स लिखने आते हैं। जैसे मराठी हो या हिंदी हो, ये एक लिपि जो देवनागरी लिपि है वो शेयर करते हैं। वैसे ही सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम, वो शेयर करते हैं रोमन लिपि। तो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है तो आपको जर्मन भी पढ़ना आता है, पर उसके उच्चार अलग है। वो उच्चार कैसे अलग है वो अभी हम सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, मेरे बाद आप भी बोलिए तो आपको भी आसानी होगी। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाउ वे इक्स एप्सिलॉन सेट। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ दो ही जगह पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। वो कौन से हैं? जो इंग्लिश का जे है, जो इंग्लिश का जे है वो जर्मन में यॉट है। यॉट अगर आपने बचपन में देखा होगा तो साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर था हैंसी क्रोनिए करके, तो कमेंटेटर तो उसको क्रोनिए बुलाते थे, पर जब पेपर में लिख के आता था वो क्रोनजे होता था। तो उस टाइम तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, पर उसका रीजन ये है कुछ यूरोपियन भाषाओं में जे का उच्चार य होता है। वैसे ही फोक्सवैगन, अगर आप उसका स्पेलिंग देखोगे शोरूम्स पे तो वो होगा वीओ, पर उसका उच्चार अगर आप हिंदी में नीचे देखो तो वो होगा फोक्स, क्योंकि वी का उच्चार जर्मन में होता है फाउ। तो ये सिर्फ यॉट और फाउ अगर आप छोड़ दो तो बाकी के उच्चार एकदम हिंदी इंग्लिश जैसे ही है। दे आर वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। अभी ये हो गए 26 अल्फाबेट्स। इनके बाद जर्मन में और चार अल्फाबेट्स हैं। वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है ए के ऊपर दो डॉट्स, उनको बोलते हैं उमलाउट्स। उनको उसका उच्चार है आई आई। फिर ओ के ऊपर दो डॉट्स, उसका उच्चार है यो यो। तीसरा है यू के ऊपर दो डॉट्स, उसका उच्चार है यू यू। और चौथा है एसेट, उसको बोलते हैं जैसे बीटा की तरह लिखा जाता है, उसका उच्चार है जैसे सांप का आवाज होता है स, या फिर डबल एस। तो पहले अंग्रेजी वाले 26 और ये चार, टोटल अल्फाबेट्स हो गए 30। पर जर्मन में और चार स्वर भी हैं जिनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। मतलब क्या? दो स्वर एकत्र आते हैं, एक एक साथ आते हैं और उनका नया स्वर बन जाता है। हम देखेंगे आ और ऊ एक एक साथ आके बनता है आउ, जैसे कि औख। फिर ई और ए एक साथ आके बनता है ई, दीर्घ ई जी। फिर ए और ई एक साथ आके बनता है आई आई, जैसे माई। और ए और ऊ एक साथ आके बनता है ओय ओय, जैसे ओयरो। ये चार संयुक्त स्वर हम बनाते हैं। ओके, तो आज हमने सीखे 30
अल्फाबेट्स और चार संयुक्त स्वर। अभी इसमें एक और मजेदार बात है दोस्तों जो हम सीखेंगे। तो जैसे हिंदी जब हम बोलते हैं तो हिंदी हर जगह थोड़ी अलग अलग बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी अलग होती है, महाराष्ट्र की, गुजरात की हिंदी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, जिनको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। पर जब हम हिंदी सीखते हैं तब हम प्रमाण हिंदी सीखते हैं। वैसे ही जर्मन बोली जाती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में, पर हर जगह थोड़े अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। जर्मनी के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। पर हम जब सीखेंगे तो हॉकडॉयच, प्रमाण जर्मन सीखेंगे। और उसकी कुछ खासियतें हैं, उसमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहली जो है कि अगर एक शब्द के एंड में अगर ई गे आता है, ई गे, तो उसका उच्चार हम श करते हैं। जैसे बिलिश, बिलिश। अभी जहां मैं रहता हूं बायर्न, वहां पे उसका उच्चार बिलिक होता है, बिलिक, पर हम बिलिश ही सीखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है सेहा या फिर सी एच। तो ये जो सेहा है उसका नॉर्मली उच्चार होता है इश, श, इश हमने सीखा है। पर जब ये आ, उ, ओ या औ के बाद आएगा, आ, उ, ओ या औ के बाद आएगा, तब उसका उच्चार होगा ख, ख। ओके, मैं थोड़े एग्जांपल देता हूं। औख, औख। माखन, कोखन, जुखन। ओके, सिंपल है। अगर इन चारों के बाद आओगे तो ही ख करना या फिर श करना। पर आप जैसे जैसे सीखते जाओगे ये आपको आसान होता जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जर्मन अल्फाबेट सीखे। एक बार सारे हम रिवाइज करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलो। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलॉन, सेट, आई, यो, यू, आउ, ई, आई, ऑय। मुझे आशा है आप सब लोगों को जर्मन अल्फाबेट्स ठीक से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ 18 नए शब्द सीखेंगे। कितने? 18। और हम सारे जर्मन नंबर्स काउंट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।